तो आज राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं अलवर में भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के समर्थन में रोड शो निकाला गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया संवाददाता अश्विनी यादव ने। जिस तरह आप लगातार देख रहे हैं, कह रहे हैं, हर सभा में आप कह रहे हैं, 3 दिन के आप प्रवास पर राजस्थान में हैं, क्या आपको पूरा राजस्थान का सिनेरियो दिख रहा है? देखिए, कल मैं पूरा आपका उत्तरी राजस्थान से चल करके जयपुर तक आया हूँ। इन चारों पांचों सीटों पे जिस प्रकार का जनता का एक आकर्षण मोदी जी के प्रति हुआ है, आम मतदाता चाहता है कि मोदी जी को समय दिया जाए। मोदी जी ने देश का स्वाभिमान जगाया है, मोदी जी ने गरीब की चिंता की है, मोदी जी ने किसान की चिंता की है, और जिस प्रकार से कल उन्होंने जो अपनी सीकर की रैली में शब्द उपयोग किए, निश्चित रूप से हम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं। ऐसा दावा कांग्रेस भी करती है कि हम मिशन 25 लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हर सभा में जा रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। देखिए, हर लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब इसका निर्णय तो मतदाता करता है, और कांग्रेस जो 68 वर्ष तक एक छत्र इस देश की धरती पर राज किया है, वो मात्र कुछ एरिया में सीमित गई है। पिछली बार तो 40 का आंकड़ा पार किया, इस बार तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए लेकिन लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस अपना काम करे, निर्णय जनता मतदाता करेगा, और मतदाता के हिंदुस्तान के मतदाता ने तय कह दिया है, मोदी मेरे मोहल्ले का, मोदी मेरे परिवार का, मोदी मेरी चिंता करने वाला। इसलिए मोदी के प्रति प्रत्येक मतदाता पूरी ताकत से खड़ा है। कई नेता ऐसे भी हैं जो स्टार कंपेनर 2014 में रहे, जैसे रामदेव जी, अब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, तो पार्टी निर्णय करती है, सारे जहां जिसका उपयोग है वहां उपयोग लेते हैं हम लोग। ओम माथुर मानते हैं कि राष्ट्रवाद देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है, और 2014 में एनडीए ने जो सीटें प्राप्त की थी, इस बार उनसे ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। एक बात और कांग्रेस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस के नेता बिलो द बेल्ट बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट न्यूज़ जलवा।